हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल, माय चैनल दैट इज़ द आरआर क्लासेस। होप सो यू आर डूइंग वेल। सो यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास इलेवेंथ का, हमारी यूनिट नंबर सेकंड, यूनिट नंबर वन। होप सो आपने कंप्लीट कर ली होगी। ये यूनिट नंबर सेकंड है आप लोगों के, दैट इज़ द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम कर रहे हैं सोल ट्रेड। तो सोल ट्रेड क्या होता है? एक ऐसा बिजनेस होता है जहाँ पे क्या होता है, एक सिंगल पर्सन क्या करता है, सारी की सारी कैपिटल इन्वेस्ट करता है। वो सिंगल पर्सन सारी की सारी कैपिटल इन्वेस्ट करके सारा का सारा रिस्क भी वो लेता है, सारी की सारी कंपनी की मैनेजमेंट भी कौन करता है, वही करता है। तो इसके फीचर हम लोगों ने पढ़े थे, आज हम इसको आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि जो सोल ट्रेड होता है उसको बनाना क्या होता है, आसान होता है, और बंद करना भी क्या होता है, आसान होता है। यहाँ पर जो लाइबिलिटी होती है सोल ट्रेडर की, वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब अगर बिजनेस को हैवी लॉस हो गया तो बिजनेस तो की तो जो एसेट है उसके ऊपर तो कब्जा किया ही किया जाएगा। जबकि जो ऑनर होगा, सोल प्रोप्राइटर होगा, देखो जो सोल ट्रेड का काम करता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, सोल ट्रेडर बोलते हैं या सोल प्रोप्राइटर का नेम बोलते हैं उस पर्सन को। तो उस पर्सन को क्या होगा, बहुत उसकी पर्सन की पर्सनल एसेट्स के ऊपर भी कब्जा किया जा सकता है। सो ये आपका इंपॉर्टेंट फीचर है कि यहाँ पे लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। यहाँ तक आप लोगों ने कर लिया है। आगे आपका नेक्स्ट फीचर आता है सोल रिस्क बीरर एंड प्रॉफिट रेसिपिनेंट। बीरर का मतलब कौन होता है, सहन करने वाला। रेसिपिनेंट का मतलब कौन होता है, जिसको कुछ मिलता है। तो जो ये वाली ऑर्गेनाइजेशन होती है सोल ट्रेड होती है, यहाँ पे क्या होता है, एक सिंगल पर्सन ही होता है, उसी सिंगल पर्सन को क्या मिलता है, सारा का सारा प्रॉफिट मिलता है, और उसी पर्सन का क्या होता है, सारा का सारा रिस्क होता है। ओके, चाहे रिस्क हो चाहे प्रॉफिट हो, वो उस अकेले ही इंसान का होगा, वो बटेगा नहीं। द रिस्क ऑफ द फेलियर ऑफ द बिजनेस इज बॉर्न ऑल अलोन बाय द सोल प्रोप्राइटर। जितना भी रिस्क होगा ऑर्गेनाइजेशन का, वो सोल प्रोप्राइटर अकेला ही भुगतेगा। हाउएवर इफ द बिजनेस इज सक्सेसफुल, चाहे बिजनेस आपका सक्सेसफुल हो गया है, द प्रोप्राइटर इंजॉय ऑल द बेनिफिट, ही रिसीव ऑल द प्रॉफिट, सारा का सारा प्रॉफिट उसका होगा। अगर रिस्क हो गया तो सारा का सारा उसी का ही होगा, सिंगल पर्सन का ही होगा। नेक्स्ट फीचर आता है कंट्रोल। देखो अगर अकेला इंसान है, सारा कैपिटल वो लगा रहा है, मैनेजमेंट वो कर रहा है, तो सारा का सारा कंट्रोल भी तो उसी के हाथ में ही होगा। जितने भी डिसीजन लेने होंगे, लाइक कितना माल खरीदना है, कब बेचना है, कैसे बेचना है, वो सारे डिसीजन, सारा कंट्रोल भी किसके हाथ में ही होता है, उसी सिंगल पर्सन के हाथ में ही होता है। द राइट टू रन द बिजनेस, बिजनेस को कैसे चलाना है, बिजनेस के अंदर जो भी डिसीजन लेने हैं, वो सब किसके पास होते हैं, सोल प्रोप्राइटर के पास होते हैं। वो अपना प्लान बिना किसी इंटरफेरेंस के, बिना किसी बंदे की इंटरफेरेंस के। देखो पार्टनरशिप अगर हम करेंगे तो पार्टनरशिप में क्या होगा, वहां पर दो या तीन पर्सन आकर क्या करेंगे, बीच में इंटरफेयर करेंगे। लेकिन सोल ट्रेड के अंदर इंटरफेरेंस ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होता है, यहां पर सिंगल पर्सन का क्या होता है, सारा का सारा कंट्रोल होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है नो सेपरेट एंटिटी। देखो आपने आसपास में देखा होगा तो आप यही बोलते हो कि ये उस पर्सन की दुकान और वही ओनर है। जैसे ये रामू अंकल की दुकान है तो वही रामू अंकल की दुकान है और रामू अंकल ही ओनर है, मतलब। और आपको ये भी पता था कि इसको बनाने के लिए किसी लॉ की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी कानून की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसकी जो एंटिटी होती है, ओनर और जो ओनर होता है और जो पर्सन होता है, और जो पर्सन होता है ओनर होता है या सेम ही हो गया, और जो बिजनेस होता है वो सेम ही होता है, मतलब कि उनकी कोई अलग अलग अस्तित्व नहीं होता है। ओनर भी वही है, शॉप भी वही है, उसकी कोई अलग पहचान नहीं होगी। दुकान को अलग और ओनर को अलग नहीं करके चलोगे, दोनों को एक ही नज़र से देखोगे। ओके, इन द आइज ऑफ लॉ नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन द सोल ट्रेडर एंड हिज बिजनेस, मतलब कि कोई भी फर्क नहीं होगा, सोल ट्रेडर भी वही है, बिजनेस भी उसी का ही है। मतलब बिजनेस की कोई अलग एंटिटी नहीं होती है जो उसके ओनर से क्या हो, अलग हो। ओके, तो इसकी कोई अलग पहचान नहीं होती है, बिजनेस भी उसी का ही है, और वही पर्सन भी वही, उसी के नाम से ही उसका बिजनेस जाना जाएगा, वही इंसान अपने बिजनेस के नाम से जाना जाएगा, कुछ अलग नहीं होगा। लेकिन जो कंपनी होती है ना, मैं आपको इसका एग्जांपल समझाती हूँ, आप लोगों को और अच्छे समझ में आएगा। जो कंपनी होती है, जैसे आपने रिलायंस कंपनी सुनी है, तो रिलायंस कंपनी क्या है, अंबानी की है, अंबानीस किया है। लेकिन जो रिलायंस कंपनी आप लोगों की अंबानीस की है, तो वो अंबानी के नेम से नहीं जानी जाती, वो रिलायंस के नेम से जानी जाती है ना।
ऑनर बेशक उसके हुआ, लेकिन उस कंपनी के पहचान क्या है? अगर कोई भी डॉक्यूमेंट साइन होते हैं तो वो रिलायंस कंपनी के नेम से साइन होते हैं। इसका मतलब कंपनी अलग है और कंपनी के ऑनर अलग हैं, लेकिन जो सोल ट्रेड होते हैं उसके अंदर कोई भी अलग पहचान नहीं होती है। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, यहाँ पर क्या रहता है? बिजनेस आपका कंटिन्यूटी के अंदर नहीं रहता है। मतलब अगर देखो एक ही पर्सन है, वो एक दिन के लिए बीमार हो गए तो उसकी दुकान बंद हो जाएगी, उसको कोई मेंटल प्रॉब्लम आ गई, उसकी डेथ हो गई तो उसकी दुकान बंद। तो यहाँ पर क्या होता है, लैक का मतलब होता है कमी, यहाँ पर बिजनेस कंटिन्यू नहीं रह पाता है। बिजनेस कंटिन्यूटी के अंदर क्या होती है, कमी होती है। द सोल प्रोप्राइटरशिप, बिजनेस इज ओन्ड एंड कंट्रोल बाय वन पर्सन, एक ही पर्सन का होता है, तो उसकी डेथ का, उसके पागलपन का, इंसान का मतलब हो गया वो पागल हो गया, उसको जेल हो गई किसी भी रीज़न की वजह से, या फिर वो फिजिकली सही नहीं है, या फिर कुछ भी रीज़न है, ओके, तो उसके बिजनेस, उसका बिजनेस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ओके, क्योंकि वो अकेला ही था, अकेले को कुछ हो गया तो उसका बिजनेस कौन चलाएगा। लेकिन अगर यही हम बात करें पार्टनरशिप के अंदर, पार्टनरशिप में क्या होते हैं, चार पार्टनर हैं, सपोज अगर एक पार्टनर को कुछ हो भी गया तो तीन पार्टनर तो और मिलकर चला ही लेंगे, लेकिन सोल ट्रेड के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि एक ही है, अगर उसको कुछ हो गया तो बिजनेस क्या हो जाता है, ठप हो जाता है। सो इस ऑर्गेनाइजेशन के फायदे क्या क्या होते हैं, तो बेसिकली आप लोगों को मैं एक छोटा सा रिव्यू दे देती हूँ। सोल ट्रेड क्या होता है, सोल ट्रेड एक ऐसा बिजनेस जिसको बनाना आसान होता है, क्योंकि कोई लीगल फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अकेला पर्सन क्या लगाता है, कैपिटल लगाता है। अकेला पर्सन क्या करता है, मैनेजमेंट करता है। अगर वो एम्प्लॉई रख ले तो भी वो सोल ट्रेड के अंदर ही आएगा, बताया था ना मैंने, सोल ट्रेड अकेला ओनर है, एम्प्लॉई रख रखे तो भी सोल ट्रेड अकाउंट होगा, क्योंकि वो तो एम्प्लॉई है। ऑनर एक होगा, कैपिटल एक होगी, मैनेजमेंट एक होगा, उसके डिसीजन क्या होंगे, क्यों होंगे, कोई क्योंकि कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगी, कोई लीगल एंटिटी नहीं है, वही दुकान है, वही ओनर है, सेम पहचान होगी, ओके। तो इसके फायदे क्या क्या होते हैं, इसका पहला फायदा होता है कि यहाँ पर क्या होता है, क्विक डिसीजन मेकिंग होती है, कि यहाँ पर जो डिसीजन होता है वो बहुत जल्दी लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि किसी भी प्रकार की इंटरफेरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ओके, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होती है, तो जो डिसीजन लेगा वो अकेले लेगा, तो उसको क्या होती है, पूरी की पूरी आज़ादी होती है, कैसे मर्जी डिसीजन ले, और किसी की इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, खुद ने लेना है, तो डिसीजन क्या लिया जाता है, क्विक लिया जाता है, ठीक है। जैसे मैं हूँ, मेरी दुकान है, अब मैंने अपनी दुकान के ऊपर और कोई सामान रखना है, तो मुझे किसी से पूछने की जरूरत थोड़ी ना है, रख लूँगी, मेरे लिए डिसीजन लेना आसान है, ओके। सेकेंड क्या आता है, कॉन्फिडेंशलिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन। कॉन्फिडेंशलिटी का मतलब क्या होता है, कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंशलिटी इसका मतलब होता है कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, सीक्रेट रहती है, कॉन्फिडेंशियल। आप लोगों ने सुना ना कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट या कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन सीक्रेट होती है, किसी और को नहीं पता होना चाहिए उसके बारे में, जो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। मतलब देखो, अब अकेला पर्सन है, किसी से कंसल्ट कर नहीं रहा है, तो उसकी जितने भी उसके मन में आइडियाज चल रहे हैं वो उसके क्या होते हैं, कॉन्फिडेंशियल होते हैं, क्या होते हैं, सीक्रेट होते हैं, उसका सीक्रेट किसी और को नहीं पता होता है, ओके। सो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, कॉन्फिडेंशियल होती है, कॉन्फिडेंशली का हमें क्या होता है, फ़ायदा मिलता है। सोल बिजनेस मेकिंग अथॉरिटी इनेबल द प्रोप्राइटर टू कीप ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द बिजनेस ऑपरेशन कॉन्फिडेंशियल, जितने भी इन्फॉर्मेशन होते हैं वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाती हैं और सीक्रेसी रखी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, बिल्कुल सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है, जिसका फायदा हमें मिलता है। थर्ड क्या होता है, डायरेक्ट इंसेंटिव। डायरेक्ट इंसेंटिव का मतलब क्या होता है, देखो जैसे एक पर्सन है वो अपना काम कर रहे हैं, अगर सपोज पार्टनरशिप के अंदर ना चार पर्सन मिलकर काम कर रहे हैं, वो चार पर्सन ना सोचते हैं भी मैं नहीं करूँगा तो चलो तीन पर्सन कर लेंगे, या फिर मतलब कि मैं अकेला करे जा रहा हूँ मेरी वजह से ही प्रॉफिट हो रहा है, बाकी तीन तो कोई काम कर ही नहीं रहे हैं, मैं अकेला कर रहा हूँ तीन तो कोई काम कर नहीं रहे मेरी वजह से प्रॉफिट हो रहा है, तो वो भी काम करना छोड़ देता है, वो एक अकेला जो कर रहा था। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे उसको पता है डायरेक्ट इंसेंटिव मिलने हैं, इंसेंटिव का मतलब डायरेक्ट मुझे ही फ़ायदा होगा, अगर मुझे लगता है कि शॉप मुझे सुबह 6 बजे खोलने से फ़ायदा होगा तो मैं खोल लूँगा, क्योंकि मुझे डायरेक्ट इंसेंटिव मिल रहा है। अगर मैं खुद के लिए काम करूँगी तो बेनिफिट भी क्या होगा, मुझे ही होगा,
ओके okay? जैसे कि अगर किसी फ्रेंड की नोटबुक बनानी हो तो हम ऐसे बना देते हैं आराम घट के, है ना, फटाफट फटाफट। लेकिन अगर हमने खुद की नोटबुक बनानी होती है तो अच्छे से बनाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें डायरेक्टली उसका क्या होने वाला, फ़ायदा होने वाला है। तो जो एक सोल प्रोप्राइटर होता है उसको क्या मिलता है, डायरेक्टली अपनी ऑर्गेनाइजेशन वो जितना भी एफर्ट करे उसको पता है कि सारा का सारा प्रॉफिट क्या मिलेगा, मुझे ही मिलेगा। तो इससे क्या होता है कि उसको पता है, वो जितना ज़्यादा काम करने के लिए क्या होता है, मोटिवेट होता है। ओके, तो उसको जितना भी इंसेंटिव होता है वो डायरेक्ट मिलता है, जितने वो एफर्ट करेगा सीधा सारा बेनिफिट किसको मिलेगा, उसी प्रोपराइटर को ही मिलेगा। अब अगर सारा बेनिफिट सिंगल उसी इंसान को ही मिल रहा है तो उसके अंदर क्या होगा, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट ज़्यादा हो जाएगी। मतलब कि मैंने काम करना है, मैंने 6 बजे दुकान खोलने, रात को 11 बजे बंद करनी है, मतलब कि उसके अंदर लगन हो जाएगी, हाँ भाई मैंने कुछ अचीव करना है। क्योंकि देखो जब आप खुद के लिए काम करते हो तो हमें क्या मिलती है, पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलती है। अगर खुद के लिए काम करोगे तो खुद के लिए ही होगा ना, तो जो बिजनेस की सक्सेस होती है वो हमारे ऊपर ही क्या करती है, डिपेंड करती है। तो इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एकम्प्लिशमेंट का सेंस होगा, हम अच्छे से अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर पाएंगे। ओके, और इसको बनाना क्या होता है, आसान होता है। तो बेसिकली फीचर क्या क्या, मेरिट क्या क्या होती है, फायदे क्या क्या होते हैं, डिसीजन लेना आसान होता है, इन्फॉर्मेशन क्या रहती है, सीक्रेट रहती है, कॉन्फिडेंशियल रहती है, कॉन्फिडेंशियलिटी होती है इन्फॉर्मेशन की, या लास्ट टाइम सही हो गया, कॉन्फिडेंशियलिटी होती है इन्फॉर्मेशन की। डायरेक्ट इंसेंटिव मिलता है, मतलब कि जितना खुद मेहनत करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट खुद को मिलेगा। लगन होती है, कुछ हमें अचीव करना है, और बनाना क्या होता है, आसान होता है। लेकिन इसके कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी होंगे। नुकसान क्या क्या होंगे, डीमेरिट का मतलब क्या होता है, नुकसान क्या होंगे, मेरिट का मतलब क्या होता है, एडवांटेजेस क्या होंगे। ओके, तो डीमेरिट क्या होती है कि यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, देखो एक पर्सन है वो बेचारा कितनी कैपिटल लगा लेगा, उसके पास तो कैपिटल कितनी होती है। हर बंदे आपने पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी, आपको पता है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। तो जब हमारे पास रिसोर्सेज ही लिमिटेड है तो हम जो लोग क्या करेंगे, अपनी रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, अकेला पर्सन कितने और रिसोर्सेज को ले लेगा। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या होते हैं, कमी होती है कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। बैंक से भी लोन नहीं ले सकते, बैंक भी एक नए नए पर्सन को, एक अकेले पर्सन को लोन नहीं देता है। सो यहाँ पे रिसोर्सेज क्या रहते हैं, लिमिटेड रहते हैं। पैसा क्या रहता है, लिमिटेड रहता है। लिमिटेड लाइफ ऑफ ए बिजनेस कंसर्न, आपको बताया था ना मैंने, यहाँ पर क्या होते हैं, कंटिन्यूटी नहीं हो पाती है। अकेला पर्सन, अकेले पर्सन की डेथ हो गई, बीमार पड़ गया, जेल हो गई, बैंकक्रप्ट हो गया, बैंकक्रप्ट का मतलब कि उसके ऊपर बैंक ने केस कर दिया पैसे ना देने की वजह से, या उसको कोई भी बीमारी होगी, कोई भी डिसीज होगी, बिजनेस बंद है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, लिमिटेड लाइफ होती है कि एक बिजनेस लंबे टाइम तक नहीं चल पाता। जब तक वो पर्सन जिंदा है या फिर सही है तब तक ही चलेगा, अदरवाइज उसका बिजनेस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। उसके बाद आता है थर्ड डीमेरिट। यहाँ पे जो लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। आपको पता है अगर बिजनेस फेल हो जाता है तो उसकी जो पर्सन है उसकी पर्सनल प्रॉपर्टीज के ऊपर भी कब्जा किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो लाइबिलिटी होती है वो क्या रहती है, अनलिमिटेड रहती है। और जो मैनेजेरियल कैपेसिटी होती है वो भी क्या होती है, लिमिटेड होती है। क्योंकि एक ही पर्सन है, एक ही पर्सन सारा काम कर रहा है, सेल का, परचेज का, फाइनेंस का। तो एक पर्सन सारी चीज़ों में थोड़ी ना कामयाब हो सकता है, सारी चीज़ों में एफिशिएंट थोड़ी ना हो सकता है। सो उसको बहुत सारे मैनेजेरियल टास्क करने पड़ते हैं, तो उसके अंदर थोड़ी स्पेशलिटी की क्या जाती है, कमी आ जाती है। ओके, तो नुकसान क्या क्या, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, उस पर्सन की डेथ की वजह से जो लाइफ होती है बिजनेस की वो कम होती है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, और मैनेजेरियल एबिलिटी भी क्या होती है, लिमिटेड होती हैं। सो होप सो आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के बीच में, क्लास को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। विश यू हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।